हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आ गया था। उसके बाद इट इज़ फोर्थ ईयर एंड बहुत सारे टेक्निकल हिकअप्स, लीगल हिकअप्स के बावजूद डिपार्टमेंट रिकवरीज कर रहा है बहुत सारे केसेस में। वो रिकवरीज कर रहा है बिकॉज आई हैव टेकन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लायर आज के डेट में एग्जिस्टेंट नहीं है या डिपार्टमेंट का एलिगेशन होता है कि वो फ्रॉडलेंट सप्लाईज हैं। तो इन सब इश्यूज में एक मेजर इशू ये अराइज होता है कि क्या रिकवरी करी जा सकती है विदाउट सेक्शन 73 और 74 के ऑर्डर्स के बिना। क्योंकि जब हम जीएसटी के अंदर बात करते हैं तो जब भी रिकवरीज होनी हैं टैक्सेस की तो एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है रिकवरी के लिए। सेक्शन 73 जहां पर फ्रॉड के केसेस नहीं हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस नहीं हैं, और 74 में जहां पर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस हैं। प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि डिपार्टमेंट एलिगेशन लगाता है कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो आईटीसी क्लेम किया है बोगस बिल्स के बेसिस पर, एंड दे स्टार्ट टू आस्क अस टू रिवर्स आईटीसी और टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मूट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या टैक्सेस की डिमांड विदाउट सेक्शन 73 और 74 के ऑर्डर्स के बिना करी जा सकती है। अगर हम पूरे प्रोसेस में देखें तो होता क्या है कि डिपार्टमेंट को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में अरेस्ट भी होते हैं और अरेस्ट होने के बाद में एलिगेशंस के अगेंस्ट टैक्स की डिमांड वो डिटरमाइन करते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। पहला इशू है क्या अरेस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या मेरे बैंक अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स और जो मेरे एसेट्स हैं वो सीज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कितने समय के लिए सीज हो सकते हैं। तीसरा, क्या टैक्स की डिमांड करी जा सकती है विदाउट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 एंड 74। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या डिमांड रेज करी जा सकती है, रिकवर करी जा सकती है विदाउट इशूइंग ए नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ डिसाइड हुआ है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया 3 अगस्त 2021 को डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। यहां पर डिपार्टमेंट का एलिगेशन ये था कि जो कंपनी है उन्होंने आईटीसी क्लेम किया है बोगस बिल के बेसिस पर बिकॉज जो सप्लायर थे वो एग्जिस्टेंट ही नहीं थे, एंड दे इशूड द समन सेक्शन 70 एंड दे आस्क टू रिवर्स द आईटीसी। द असेसी द टैक्स पेयर वेंट टू द हाई कोर्ट वेयर द हाई कोर्ट गेव द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने कहा डिपार्टमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर डिमांड को रिकवर करने के लिए 74 के अंदर प्रोविजंस हैं जहां पर डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है, शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, जहां पर नोटिस इशू होने के बाद में असेसी वॉलंटरली टैक्स को पे कर सकता है विद 15% ऑफ द पेनल्टी। तो अनलेस अंटिल उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है डिपार्टमेंट कैन नॉट आस्क टू पे द टैक्सेस फ्रॉम द असेसी। सो इंपॉर्टेंट डिसीजन इस केस लॉ से निकल के ये आया है कि अनलेस अंटिल हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस अंडर सेक्शन 74 हो, टैक्स को डिमांड नहीं कर सकता डिपार्टमेंट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्योंकि आज के डेट में जो भी नोटिस आता है डिपार्टमेंट व्हाट इज आस्किंग, डिपार्टमेंट इज आस्किंग टू पे द टैक्सेस। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस केस लॉ इज वेरी क्लियर, डिपार्टमेंट हैज टू इशू शो कॉज नोटिस, दे कैन डू द इन्वेस्टिगेशन, दे कैन इशू द समन्स अंडर सेक्शन 70 for a particular period, bank accounts can be attached, that we'll discuss in next videos, कि कितने period तक attach कर सकते हैं, कब उनको relieve करना पड़ेगा, but the point is tax की recovery करने के लिए there is a specific mechanism provided under section 73 and 74, without adopting those mechanism, without issuing show cause notice, the tax cannot be recovered from the assessee by force. So that was a very important case law, and in description mein you will find the complete case law and the summary of the case law for your reference. Thank you for watching the video. Agar aapke question hain ya isse related aap discuss karna chahte hain to description mein likh ke humse discuss kar sakte hain. Thank you.